हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सुबह खाली पेट एक ग्लास में गुनगुने पानी में अगर नींबू डाल के पी लेते हैं तो उससे क्या होता है, क्या होगा उसके बाद, आपके शरीर में क्या चेंजेस आएंगे? जी, यही वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि अगर आप खाली पेट सुबह गुनगुने पानी में नींबू डाल के पीते हैं तो उसके आपके शरीर में, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। मैं ईशा मेहरा फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए धन्यवाद। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे बेल आइकन इसको प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेशन डे बाय डे नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप सुबह उठकर खाली पेट एक ग्लास गुनगुने पानी में अगर नींबू पीते हैं तो उसका क्या आपको बेनिफिट होता है, आपके शरीर में क्या चेंजेस आते हैं। कुछ टाइम तक अगर आप रेगुलरली पियेंगे, 1 मंथ तक पीते हैं, तो आपको खुद लगने लगेगा आप में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। फर्स्ट आप में क्या चेंज आएगा, आपका डाइजेशन पावर इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप ये खाली पेट पियेंगे, कोई भी मौसम हो, सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, आपको खाली पेट पीना है, कुछ खाने से पहले, खाने के बाद नहीं। खाने से पहले जो इफेक्ट आता है बॉडी में वो अलग होता है। आपको खाली पेट ध्यान रखना है इस बात का कि आपको खाली पेट पीना है और हल्के गुनगुने पानी में पीना है, बहुत गर्म मत पीजिए और सिप सिप करके पीजिए, ताकि धीरे धीरे पीजिए पानी को। उसके बाद इससे पीने से आपका डाइजेशन पावर इंक्रीज़ हो जाएगा। आप जो भी खाएंगे खाना आपको ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको खट्टी डकारें नहीं आएंगी, आपको वॉमिट जैसा, नौजिया जैसा जो फील होता था वो फील होना बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर जिसको प्रॉब्लम होती है एजिंग की, कई लोगों की एज नहीं होती और एजिंग झुरी आने लगती है, ब्लिमिशेज हो जाते हैं, पिंपल प्रॉब्लम होती है, एक्ने हो जाता है, आँखों के नीचे अजीब सी झाइयाँ पड़ जाती हैं, तो वो सब चीज़ें भी दूर हो जाएंगी अगर आप सुबह उठकर खाली पेट नींबू पानी पियेंगे। गुनगुने पानी में अगर आप नींबू डाल के पीने लगेंगे, डेली पियेंगे, रेगुलर इसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम को आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएंगी। तीसरी चीज़, अगर आपकी इससे आइज़ के बहुत इंप्रूव करता है, हमारी जो आई सेड है वो उससे बहुत इंप्रूव हो जाती है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, कईयों की सुबह उठते ही आइज़ में ब्लॉकेज हो जाती है, आइज़ में पानी निकलने लगता है और अजीब सा हमारा वाइटिशपन जम जाता है, हम आइज़ ओपन नहीं कर पाते। छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, बड़ों को भी प्रॉब्लम होने लगती है एज बढ़ने के अकॉर्डिंग, या लिमिट की एज होती है, नॉर्मल एज वालों को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आई प्रॉब्लम। तो अगर आप ये रेगुलरली पियेंगे तो आपके जो पानी निकलता था, आपके आइज़ में पेन रहता था, वो आप देखेंगे धीरे धीरे दूर हो रहा है। साथ में आपकी आईसेट भी इंप्रूव होने लगेगी, नज़र आपकी बढ़ने लगेगी अगर आप रेगुलर इसका इस्तेमाल करेंगे। तीसरी चीज़, अगर आप ये कंटिन्यू करते हैं, नींबू पानी पीते हैं, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है, आप में एनर्जी आ जाती है। जैसे आप जिम कर रहे हैं, जिम करके अगर आप एनर्जी लूज़ कर देते हैं अपनी, हमारे बहुत सारे मिनरल्स हमारे निकल जाते हैं, हम वापस एनर्जी हमें चाहिए होती है, तो आप कभी भी फील करिए जिम से अगर आप आ रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, घर पर कर रहे हैं, बाहर पार्क जा रहे हैं, कहीं पर भी एक्सरसाइज कर आ रहे हैं, तो अगर आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो आप बाहर के एनर्जी ड्रिंक की जगह, जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उन पे पैसे वेस्ट करने की जगह, या पिल्स आती हैं उन पे अपने पैसे वेस्ट करने की जगह, आप अगर एक ग्लास नींबू पानी पी के देखिए और आपको वही एनर्जी फील होगी जो आप पहले एनर्जी ड्रिंक अगर आपने पिया होगा या नहीं भी पिया, तो आपको इमिजिएटली आपको फील होगा कि आप में बहुत एनर्जी आ गई, आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं, आप में चुस्ती सी आ गई, या बहुत फ्रेश फील करेंगे, ऐसा फ्रेशनेस आ जाती है पूरी बॉडी में अगर जब जिम कर आ रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप नींबू पानी पीते हैं। क्योंकि गर्मियों में भी आप फील करते हैं, बाहर से आप कहीं आ रहे हैं, थके हुए हैं, बहुत पसीना निकला हुआ है, तो हमारी बॉडी को वो हाइड्रेट कर देती है, रिहाइड्रेट कर, जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है गर्मी में, सबको पसीना निकलता है, हमारा सॉल्ट निकलने लग जाता है, हमें पानी की कमी हो जाती है हमें हमारे शरीर में, तो वो पानी की कमी को दूर करता है। अगर आप इसको नींबू पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी में फुल ऑफ एनर्जी आ जाती है, आप एकदम ताजगी और फ्रेश फील करते हैं, आपकी स्किन ग्लो होने लग जाती है। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा लेमन एप्पल के लिए सेम चीज़ बोली जाती है, और लेमन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। एग्जैक्टली, अगर आप ये चीज़ करते हैं, अगर आप एक नींबू पीते हैं, नींबू पानी डेली अगर आप इस्तेमाल में लेकर आते हैं, तो आप डॉक्टर से दूर रहते हैं, आपको डिजीज़ से लड़ने की क्षमता मिलती है, आपको फाइट करने की, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। जैसे जिसको अगर प्रॉब्लम रहती है कि वो फीवर उनको कंटिन्यूस होता है, तो अगर वो डेली नींबू पानी पीना इस्तेमाल कर दें सर्दियों में, तो उनको धीरे धीरे ये फीवरिश जो प्रॉब्लम होती है, मॉर्निंग में फीवरिश फील होता है, ये धीरे धीरे उनको कम हो जाएगा। किसी को अगर कोल्ड रहता है, कफ रहता है, तो ये सब चीज़ें उनकी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, क्योंकि हमारी जो नर्व्स की ब्लॉकेज होती है उसको रिमूव कर देता है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा कर देता है, हमें डिजीज़ से लड़ने की, बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, क्षमता देता है, तो ये बहुत इफेक्टिव है। साथ ही साथ आपको इसका एक और बेनिफिट है, डेली अगर आप नींबू पानी पीते हैं तो इससे आपका पीएच लेवल बढ़ा देता है, आपकी बॉडी को रिहाइड्रेट करता है। पीएच लेवल बढ़ने से हमारा जो यूरिन प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी ठीक हो जाती है, हमारी डाइजेशन ठीक हो जाता है, साथ ही साथ हमारे लिवर, किडनी, हार्ट, सब तरह की प्रॉब्लम्स को जो होता है, डिजीज़ को ये हेल्प करता है, उनसे फाइट करता है,
और हमारा इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, तो सब चीज़ें इंक्रीज होती ही हैं इसके साथ साथ। फ्रेंड्स, साथ में अगर आपको जिसमें डॉक्टर्स ने बताया होगा जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, यूरिक एसिड बहुत लोगों में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के फीट में प्रॉब्लम हो जाता है, और अननेसेसरी यूरिक एसिड जब हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी पेन होने लग जाता है, वो एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो वो नींबू पानी अगर आप डेली अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं तो आपका यूरिक एसिड का जो लेवल है उसको भी कम कर देता है। साथ में आपको मैंने बताया था कि पीएच लेवल को हमारे बढ़ा देता है, जिसमें हमें जो यूरिन जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं। साथ में अगर जो लोग मॉर्निंग में सोचते हैं कि कॉफ़ी पिएं, कॉफ़ी, ब्लैक टी वगैरह पीना पसंद करते हैं और सोचते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी, अगर आप उसकी जगह पे स्किप करके कुछ दिन आप मेरे कहने पे मुझे फॉलो करें, अगर आप इसकी जगह नींबू पानी पीना शुरू करेंगे और 2 हफ्ते बाद आप खुद फील करेंगे कि आपकी बॉडी में ज़्यादा रिफ्रेशिंग हो गई, आपकी स्किन ग्लो होती जा रही है, आप इंटरनली बहुत रिफ्रेश और एनर्जेटिक फील करने लग जाते हैं। जब भी आपकी एनर्जी लूज़ हो उसको प्लीज़ एनर्जी ड्रिंक की तरह पिए, इस्तेमाल में लेकर आए नींबू पानी को। इसमें हाईली लेवल का पोटेशियम होता है, हमें सबको पता है कि बनाना में पोटेशियम होता है, लेकिन बनाना के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा लेवल होता है पोटेशियम का विटामिन सी के साथ। तो ये हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है नींबू पानी, दांत हमारे स्ट्रॉन्ग रहते हैं, शाइनी रहते हैं, दांतों की मजबूती बढ़ाता है, उनकी चमक बढ़ाता है और पूरी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल है ये। मैंने इसको नाम कभी भी नींबू पानी नहीं दिया, मैं इसको मैजिकल ड्रिंक बोलती हूँ। तो प्लीज़ अब आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जाइए, अगर अब तक आपने स्टार्ट नहीं करा नींबू पानी पीना तो प्लीज़ अपने किचन में जाइए और पीजिए और अपने आपको रिफ्रेशिंग ड्रिंक, मैजिकल ड्रिंक को पीजिए और अपने आपको सुंदर और खूबसूरत बनाइए, अपनी स्किन ग्लो रखिए, अपनी बॉडी अंदर से इंटरनली ग्लो रखिए। इंटरनली बॉडी अगर आपकी अच्छी होगी, रिफ्रेश रहेंगे, अच्छा फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे और फ्रेश रहेंगे हमेशा। तो स्टे हेल्दी। तो आप लोग, मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये मैजिकल ड्रिंक आपको कैसा लगा, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मेरा नाम इसका मैजिकल ड्रिंक ही, मैं हमेशा इसको बोलती आई हूँ क्योंकि मैं इसको डेली अपने इस्तेमाल में लेकर आती हूँ। जब भी मेरी एनर्जी लूज़ हो जाती है तो मेरे लिए मैजिकल ड्रिंक है, एनर्जी गेन हो जाती है मेरी, मेरी स्किन ग्लो हो जाती है नेचुरली। तो आप लोग भी इसको इस्तेमाल में लेकर आइए, मुझे बताइए, मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उसके लिए थैंक यू सो मच, अदरवाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन है उसको नोटिफिकेशन को जरूर बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेशन डे बाय डे मिलती रहे। तो मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।